नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भूमाफिया इस कदर सक्रिय हैं जिन पर सरकार तो छोड़िए कोर्ट का भी आदेश काम नहीं करता। ताजा मामला जिले नौगढ़ तहसील के कर्मा गांव का है, जहां पर हरिगवा निवासी विनोद कुमार के मामले में कोर्ट से जमीन का फैसला होने के बाद भी नौगढ़ तहसील प्रशासन कब्जा दिलाने में असमर्थ दिख रहा है। वहीं पीड़ित विनोद कुमार ने कहा कि तहसीलदार फोर्स लेकर आने के बाद भी कब्जा नहीं दिला पा रहा है और जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर रखा है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। वहीं मामले में एसडीएम सदर डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा ने कहा कि जो भी नियम संगत होगा मामले में कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी न्याय न मिले तो जिले की जनता अब कहां जाए। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। सर, अभी भी एक मामला बघेली का आया, विकास खंड लोटन का आया हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशों का दबंग पालन नहीं कर रहे हैं और उस पर कब्जा बनाए रखे, इस पर क्या करेंगे? ऐसे जो प्रकरण है उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम संगत और विधिक होगा उसके संदर्भ में एक्शन लिया जाएगा। विधिक कार्रवाई नियम संगत उचित जो होगा वो किया जाएगा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, मामला क्या है? हमारा नाम विनोद है, ग्राम पंचायत हरियाणा ग्राम कर्मा के रहने वाले हैं, लोटन बाजार सिद्धार्थनगर। और हमारा मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, जीत के बाद भी अभी तक हमको प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं मिला और यहाँ के जो तहसीलदार हैं राम ऋषि रमन जी हैं, इनका दोबारा कंटेक्ट हुआ, इसके बाद में भी वो नहीं गिरवाए और एक बार आए थे फोर्स वोर्स लेकर के, दो बार मतलब गिरवा करके, फिर अभी तक दो बार फिर कंटेक्ट हुआ, फिर भी गिरवा नहीं रहे हैं। अभी आज तक हमको कब्जा नहीं मिला है और अभी तक वो जो दबंग लोग हैं राजा राम रामबचन, उनके ऊपर बेदखली जुर्माना भी लगा हुआ है। इसके बाद में भी अभी 48 नंबर चक रोड पे कब्जा है, वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, अभी तक हटाए नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का वो सब पालन नहीं कर रहे हैं, हमको न्याय चाहिए और आज तक हमको न्याय नहीं मिला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।